दोनों क्लास अभी खाली है, पानी से केवल भरा हुआ है। आप लोग देखेंगे इसलिए एक ग्लास में साल्ट डाला गया है, नमक एक ग्लास में साल्ट डाला गया है, दूसरा ग्लास जो है प्लेन है। देख रहे हैं आप लोग, ओके साल्ट जो था नमक इसको पूरी तरह से घोल दिया गया है, एक ग्लास प्लेन है, देख रहे हैं ठीक है। अब क्या इसमें पानी में ये डूबेगा? डूब जाएगा? नहीं डूब जाएगा, डूब जाएगा ठीक है, इसमें डूब गया लेकिन इसमें नहीं डूबेगा ठीक है। देख रहे हैं नहीं डूबा। आप लोग देख रहे हैं कि एक ग्लास में नींबू जो है डूब गया है और दूसरे ग्लास में जो हम लोग साल्ट मिलाए थे उसका सॉल्यूशन जो है उसमें नींबू नहीं डूबा है। देख रहे हैं सभी लोग, तो ये किस कारण हुआ है आपको पता करके आना है ठीक है। यहाँ पे कौन सा फेनोमेना लग रहा है साइंस का आपको पता करके आना, अगर आप नहीं पता करके आइएगा तो मैं आपको कल बताऊंगा कि ये किस फेनोमेना के कारण हुआ, साइंस का किस कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा है।